हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो रहने वाली है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के ऊपर। टोयोटा फॉर्च्यूनर आपको मालूम है, जस्ट रिसेंटली जनवरी 2021 के अंदर टोयोटा फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट आया है, जिसको कंपनी ने 4x2 और 4x4 ऑप्शंस के साथ में अवेलेबल किया है कंज्यूमर्स के लिए। साथ ही में कंपनी ने टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ में फॉर्च्यूनर लेजेंडर को भी इंडिया के अंदर में रिसेंटली लॉन्च किया है जनवरी 2021 में। बट यहाँ पर एक दिक्कत थी, फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट 4x2 और 4x4 ऑप्शन के साथ में आता है, बट लेजेंडर आपको 4x2 ऑप्शन के साथ में मिलती है। मतलब कि अगर आपको लुक्स चाहिए और 4x4 चाहिए तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर में दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलती थी। या तो आप लुक्स देखिए लेजेंडर के और 4x4 को छोड़ दीजिए, या फिर आपको अगर लेजेंडर परचेस करनी है तो लुक्स देख के आप 4x2 ही परचेस कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको 4x4 चाहिए तो आप रफ एंड टफ नॉर्मल जो टोयोटा फॉर्च्यूनर आती है उसी को परचेस करिए। तो यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखी थी कि दोनों ही गाड़ियाँ सेम अमाउंट में परचेज हों। अब यहाँ पर 4x2 4x4 क्या होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 4x2 में गाड़ी का इंजन दो टायर्स को पावर देता है, वहीं पर 4x4 में गाड़ी का इंजन चारों टायर्स को पावर देता है सेम अमाउंट में। तो यहाँ पर 4x2 में कम पावर निकलती है, वहीं पर 4x4 से अगर आप मड में रेसिंग करते हैं, मड वगैरह में माउंटेंस वगैरह में गाड़ी को ले जाते हैं, तो आपको एक रफ एंड टफ फील मिलती है फॉर्च्यूनर के साथ में। तो ये होता है 4x2 और 4x4 का डिफरेंस। तो अब आप समझ गए होंगे, फॉर्च्यूनर आती है 4x2 और 4x4 के साथ में, जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर आती है फेसलिफ्ट वाली। बट वहीं पर फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको सिर्फ 4x2 का ऑप्शन मिलता था अभी तक। बट यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है एक क्रिस्प सी कि टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर जिनको भी बाय करनी है, अगर वो सोच रहे हैं कि 4x4 के साथ उनको लेजेंडर चाहिए, तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, आप सब टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर को 4x4 में भी परचेस कर सकते हैं। ये हाल ही में न्यूज़ आई है। अब ऑफिशियली कंपनी ये टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर का 4x4 वेरिएंट अक्टूबर के टाइम पे लॉन्च कर देगी, और कंपनी की सारी डिटेल्स प्राइसिंग रिलेटेड अक्टूबर में आ जाएगी। तो आप चैनल से ज़रूर से बने रहिए। और एक चीज़ और है, जिन्होंने टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर का जो 4x2 वाला वर्जन है वो अगर परचेस कर लिया होगा, तो उनको कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर से लगेगी, क्योंकि अब जस्ट रिसेंटली टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर में 4x4 आने वाली है, तो उनको कहीं ना कहीं ये बात खलने वाली है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब अगर आपने गाड़ी परचेस कर ली है तो वो सबसे बेस्ट गाड़ी रहेगी आपके लिए। इसी के साथ अगर आप सोच रहे हैं लेजेंडर को 4x4 में परचेस करने का, तो अक्टूबर में ये लॉन्च हो सकती है। इसी के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके तो बिल्कुल जाइए, एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर से करें, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। आपको यूजर नेम प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम आपसे मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।